वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने कुछ ही समय पहले एक वीडियो डाला था टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर, तो एक सज्जन व्यक्ति ने उन पर कमेंट किया और बोला सर स्प्रिंकलर जो होते हैं वो दो प्रकार के नहीं चार प्रकार के होते हैं। जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है विक्की पवार, विक्की पवार। तो सबसे पहले पवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और उस पर कमेंट भी किया, ये और भी अच्छा लगा मुझे। और जब आपने ये कमेंट करके मेरे को बताया तो वो और भी खुशी हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्प्रिंकलर दो ही टाइप के होते हैं, चार टाइप के नहीं होते हैं। जो आपने लिखा था वो मैंने अभी उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, और जो लोग अभी भी ऑलरेडी इस भ्रम में हैं कि नहीं स्प्रिंकलर तो चार प्रकार के ही होते हैं, तो मैंने उन चारों के नाम लिख दिए हैं डिस्प्ले पे जो आप देख रहे हैं, ये चारों ही नाम होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्प्रिंकलर के टाइप्स हैं ये कार्य के आधार पर है, हमने अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको इस तरह डिजाइन किया है। लेकिन जो स्प्रिंकलर होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, सिर्फ हमने उसके अपने कार्य के आधार पर उनको डिजाइन को चेंज किया है, उनके जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर की जो आकृति है उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बस। अब ये जो जो है मैं आपको सब दिखाऊंगा और फिर मैं उनको उनके बीच में क्या क्या डिफरेंट है मैं वो भी समझाऊंगा, बस आप जुड़े रहिए लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चारों टाइप हैं, कौन सा कहाँ पे लगता है। जो पेटेंट टाइप है, पहला है पेटेंट टाइप, दूसरा अपराइट, तीसरा कॉन्सील्ड और चौथा वॉल टाइप। पैटर्न टाइप, अपराइट, कॉन्सील्ड और वॉल टाइप, तो ये लगते हैं कमर्शियल बिल्डिंग में। और कुछ लोग रेजिडेंशियल में भी लगा देते हैं, वो अपने एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पैटर्न टाइप कैसा होता है। जो नॉर्मली स्प्रिंकलर हम लगाते हैं, जो हर जगह हर पार्किंग में हर जगह देखने को मिलता है, वो पैटर्न टाइप है। जो हर बिल्डिंग में देखने को मिलता है, हर वेयर हाउस में, जो वो एक नॉर्मल होता है। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये रहा स्क्रीन पे, ये है पैटर्न टाइप। अब मैं आपको इसका डिफरेंट बताऊंगा, आप पूरा का पूरा देख लीजिए। इसमें वही तो डिफ्लेक्टर है, वही पारा ब्लफ कॉटरेज क्यूबीडी कॉटरेज एबल ब्लफ डिटेक्टर है और वही ऊपर शील्ड लगी हुई है। ये है पैटर्न टाइप जो कि नॉर्मली लगाए जाते हैं। अब अगर हम इसका मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं तो वो अपराइट हो जाएगा, ये अगर हम इसका मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं तो ये अपराइट हो जाएगा। अब ऊपर कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा मॉल हो गए, ऑफिस वगैरह है, उनके बीच में जो छत होती है ना, ऊपर छत होती, छत के बीच में लकड़ी की प्लाई या टाइल्स लगा दी जाती हैं शो बढ़ाने के लिए, और उनके ऊपर से वायर गुजारी जाती है और आग कैसे लगती है, शॉर्ट सर्किट से। उनके बचाव के लिए इनको अपराइट का नाम दिया गया है, क्योंकि हमें आग कौन सी बचानी है, हमने ये जो स्प्रिंकलर ऊपर की तरफ मुंह किया वो किस लिए किया है कि ताकि हमारी सीलिंग से ऊपर की आग बुझे। अब अपराइट का कैसा होता वो दिखाता हूं मैं। अब ये देखिए सामने, ये है अपराइट। अब इसका मुंह ऊपर की तरफ है, जो मैंने पहले दिखाया था वो पैटेंट था, उसका मुंह नीचे की तरफ था। वो कौन सी आग को बुझाता है, जो हमारे ऑफिस में नॉर्मली लगती है, जैसे हमारे चेयर वगैरह है, हमारा ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, हमारे
पीसी वगैरह उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसको लगाते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ, ओ बिल्कुल जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। अब मेरे को देख करके आप अपने हिसाब से बताइए इसमें और उसमें क्या फर्क है। इसमें भी वही डिफ्लेक्टर है, वही कट रहे जब बल्ब है, और वही पूरा का पूरा आकार है, तो चीज तो वही हुई ना, और काम भी वैसे ही करेगा। ये भी टेम्परेचर पे टूटेगा, वो भी टेम्परेचर पे टूटना है। आपको यहां तक कोई फर्क नजर आया? फर्क इतना, हमने उस इसका मुंह ऊपर की तरफ किया हुआ है और उसका नीचे की तरफ था। हमने उसका मुंह ऊपर की तरफ किया तो ऊपर की आग को बुझा रहा है, वो सीलिंग से ऊपर की आग को बुझा रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब हम इसको नीचे की तरफ कर दे तो हमारे नॉर्मल फ्लोर को आग को बुझा रहा है। अब दिखाता हूं मैं आपको कॉन शील्ड टाइप। ये कॉन शील्ड पहली बात तो 95% अपने इंडिया में लगते ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये हाई कॉस्टली होता है। और कॉन शील्ड से आपको बता दूं, ये एक छुपा हुआ होता है छत में, स्प्रिंकलर जैसे हम लगाते हैं नॉर्मल वे में, उसी तरह इसको लगाया जाता है, लेकिन ये अंदर की तरफ होता है। इसके नीचे एक सेंसर लगाया होता है, जैसे वो आपको डिटेक्ट करता है वो आगे से हट जाता है, उसका एक कैप टाइप होता है, वो आगे से हट जाता है और ऊपर से वो स्प्रिंकलर पानी की बौछार करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ये देखिए, ये कौन शील्ड टाइप होता है। आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला, ये इसको छुपा देता है दीवार में। मान लिया यहां ऊपर पे दीवार है, ये अंदर ऊपर वाली जो छत होती है इसमें, वहां पे इसको छुपा दिया जाता है और इस ये कैप इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। और जब इसके नीचे एक सेंसर लगा होता है, वो क्या करता है, जब आग को डिटेक्ट कर लेता है तो इसको हटा देता है और ये वाला हिस्सा ये एक्सपेंड होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और उसके टेम्परेचर से, ये हटने के बाद टेम्परेचर इस पे लगना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ये कॉटरेज जब टूटेगी, पानी का बुझार स्टार्ट हो जाएगा। अब भी आप मेरे को देख करके बताइए, इसमें भी वही डिफ्लेक्टर है, वही कॉटरेज बल्ब उसमें है, तो फर्क क्या है? खाली हमने इसका मॉडिफिकेशन अपने कार्य के आधार पर किया है और दूसरा इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। उसी टेम्परेचर पे ये टूटना है, पानी भी उसी तरह गिरेगा, फर्क इतना है कि मॉडिफिकेशन किया है, लेकिन नाम और उसका जो कार्य विधि है उसमें थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं वॉल टाइप। अब चौथा आता है वॉल टाइप। अब ये वॉल टाइप कहां पे लगता है आपको बता दूं मैं, ये लगता है पार्किंग एरिया में। बड़े बड़े मॉल है, वीआईपी मॉल्स जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, पार्किंग के लिए इतनी जगह नहीं होती, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां, पैसे वाली कंपनियां हैं, वो भी अपने कमर्शियल बिल्डिंग में ग्राउंड में अंडरग्राउंड कर देती, या कुछ ऐसी कंपनियां जो छत के ऊपर ही बना देती, लिफ्ट के माध्यम से गाड़ी के ऊपर ले जाया जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे, जहाँ पे ऊपर नीचे दो या दो से ज़्यादा गाड़ी को पार्क किया जाता है, ये क्या होता है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है, ये ग्राउंड फ्लोर है। गाड़ी आएगी, इसके अंदर घुस जाएगी, अब यहाँ पे स्टैंड हो गई है। अब ये दूसरे वाला है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इसको मोमेंट करा के साइड में कर दिया जाएगा। अब गाड़ी अंदर जाएगी और इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, इसको यहां से ऊपर की तरफ ले जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। अब फिर इसके अंदर गाड़ी को घुसाया जाएगा और इसको वापिस अपने स्थान पे ले जाया जाएगा और फिर ये वापिस आ जाएगी। चैन सिस्टम से चलता है। अब हर कंपनियां भी अपने हिसाब से इसको डिजाइन करती हैं, कोई ऊपर की तरफ ले जाती सारी गाड़ियों को, कोई साइड में ले जा के फिर वापिस यहाँ पे लाती है। अब ये मत बोलना नहीं है तो साइड ऊपर नीचे नहीं जाती, ये सब मॉडिफिकेशन है, इंजीनियर के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। लेकिन जहाँ पे लगातार तीन गाड़ियाँ, एक दो
और तीन या तीन से ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी करी जाती है वहाँ पे इसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। अब इसको कहाँ लगाया जाता है, अब गाड़ी माल्या गाड़ी यहाँ से एंट्री कर रही है और दीवार यहाँ पे है, वॉल का मतलब दीवार होता है, ये जो वॉल टाइप लिखा है वॉल का मतलब दीवार है, इसके सामने यहाँ पे दीवार है और इसके बगल में एक हमने स्प्रिंकलर लाइन डाल दी जैसे हम ऊपर छत में डालते हैं, और इसके सामने स्प्रिंकलर लाइन से एक वो जो मैंने आपको दिखाया था स्प्रिंकलर वो लगा दिया जाता, वो किस तरह का होता वो भी मैं दिखाता हूँ, जो वॉल टाइप होता वो किस तरह का होता वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये होता है इस तरह, ये मान लिया ये यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे इसको लगा दिया गया है और इसका मुंह बिल्कुल गाड़ी के सामने जहाँ पे ड्राइवर बैठता उस तरफ कर दिया जाता है, ना तो ऊपर की तरफ होता ना नीचे की तरफ होता। सबको पता है कि गाड़ियों का इंजन आगे होता है और आग कहाँ लगेगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो इंजन में ही आग लगेगी, तो उस गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए इंजन के बिल्कुल सामने लगा दिया जाता है। अभी मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये देखिए, मान लिया हमने इसको ऐसे लगा दिया, ये देखिए अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अब जैसे ही गाड़ी के अंदर आग लगेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने पर ये कॉटरेजेबल बल्ब है ये टूटेगा। ये भी देखिए खाली एक स्पेशल डिजाइन किया गया है हमारी आवश्यकता के आधार पर, जैसे ये टूटेगा तो पानी सीधा यहाँ गाड़ियों पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए स्प्रिंकलर ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है, और जैसे ही यहाँ पे गाड़ी के इंजन में आग लगेगी ये यहाँ पे पानी के बुछार करना स्टार्ट कर देगा, अगर आग ज़्यादा ही बढ़ गई तो उसके ऊपर वाला फिर इससे ऊपर वाला स्प्रिंकलर टूट जाएगा वो गाड़ी को प्रोटेक्ट कर देगा, इसी तरह इस पर चला देता। अब हम इसको अपने आवश्यकता आधार पर भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए साइड वाला भी दे देते हैं और इसके ऊपर भी लगा देते हैं, ये सब अपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। फायर का स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको कम से कम एक एक्सटिंग्यूशर लगाना ही है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कम से कम एक एक्सटिंग्यूशर आपको लगाना ही है। अब आप एक एक्सटिंग्यूशर तो लगाओ, आप एक की जगह दो भी लगा सकते हैं और दो की जगह तीन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट तीन की तो आप एक से काम नहीं चला सकते, तो सेम वही चीज़ है, ये खाली मॉडिफिकेशन किया गया है लेकिन काम करने का जो आधार है वो तो एक ही है, वही कॉटरेजेबल बल्ब है वही उसी हिसाब से टूटेगा। मैंने उनके अंदर के लिक्विड के बारे में डिटेल बताया था कि इस तरह से टूटता है, इस तरह से काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पवार जी ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बनाया है क्योंकि आपने कमेंट किया और जो लोग कमेंट करते हैं मैं उससे बड़ा खुश होता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे कमेंट जो वीडियो से रिलेटेड ही हो, जो डिस्कस करने पे मेरे अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, ऐसे नहीं कि सर आपने वीडियो अच्छी बनाई, अच्छी बात है आपने, मैं आप मेरी तारीफ कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जो ऐसे कमेंट करता है या कोई नई वीडियो मांगने की को ख्वाहिश रखता है तो उन लोगों से मैं बड़ा खुश होता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और स्प्रिंकलर के दो टाइप होते हैं या चार होते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले जिसने मेरी वीडियो देखी है हो सकता है उनके मन में भी ये सवाल हो कि भाई नहीं स्प्रिंकलर तो चार प्रकार के होते हैं दो प्रकार के नहीं, तो इस वीडियो से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से, प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।